दोस्तों, द्रौपदी महाभारत का एक मुख्य चरित्र है। द्रौपदी को पांचाली नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन की ही तरह द्रौपदी भी कान्हा को अति प्रिय थी। यही कारण है कि चीरहरण के अलावा भी जब कभी द्रौपदी किसी समस्या से घिरी, कान्हा स्वयं उनकी समस्याओं का निराकरण करने पहुंच जाते थे। पांचों पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडवों की वो पत्नी कैसे बन गई, ये बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और जब शंकर जी प्रकट हुए उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे। इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वो ये भी जानते थे कि उसे अपने 5ों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दे दिया कि वो प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5ों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वो पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है द्रौपदी जो 5ों पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपने तीर धनुष भूल गए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय उसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वो द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वो अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वो उन्हें खींच कर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल में 5ों पांडवों के 1-1 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5ों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। 5ों पांडवों की प्रिय थी द्रौपदी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वो अपने पतियों का आदर सम्मान भी बखूबी करना जानती थी, इसलिए वो 5ों पांडवों की प्रिय थी। द्रौपदी ने दिया कुत्ते की प्रजाति को श्राप। महाभारत काल के पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ते सरेआम सहवास इसलिए करते हैं क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें श्राप दिया था। दरअसल अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लाया तो उसकी मां कुंती को नहीं पता था कि अर्जुन शादी कर घर आया है। अर्जुन और द्रौपदी जब घर आए तो उनके साथ बाकी 4 पांडव भी थे और जब उन्होंने कुंती से कहा कि देखो माँ, हम तुम्हारे लिए क्या लाए, तो कुंती ने बिना देखे जवाब दे दिया, जो भी लाए उसे 5ों भाई आपस में बांट लो। अब पांडव माँ की बात का कैसे निरादर करते, इसलिए बाकी 4 भाइयों की शादी भी द्रौपदी से करवा दी गई और ये नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर साल उनमें से 1 भाई के साथ रहेगी और इस दौरान कोई और उनके कमरे में नहीं आएगा। अर्जुन के कारण कुत्तों को मिला द्रौपदी का श्राप। ऐसा माना जाता है अर्जुन की वजह से कुत्तों को द्रौपदी का श्राप मिला। वो खुले में सहवास करेंगे और लोग उन्हें देखेंगे। दरअसल हुआ ये था कि जब द्रौपदी को हर साल 1 भाई के साथ रहने की शर्त रखी गई, तो उसके साथ ये बात भी तय की गई थी कि जब द्रौपदी किसी भी 1 भाई के साथ कमरे में होगी तो उस समय कोई दूसरा उस कमरे में नहीं आएगा और निशाने के तौर पर उस 1 भाई की चप्पल बाहर कमरे के दरवाजे के पास ही रख दी जाएगी, जिससे लोग समझ जाएंगे द्रौपदी अभी किसके साथ है। एक बार द्रौपदी कमरे में युधिष्ठिर के साथ थी और उसी बीच अर्जुन कमरे में आ गया और उसने द्रौपदी व युधिष्ठिर को एक साथ संभोग की अवस्था में देख लिया। जब द्रौपदी ने अर्जुन को देखा तो उसने पूछा कि बाहर उसे बड़े भाई की पादुकाएं नहीं दिखी, तो अर्जुन का जवाब था नहीं। द्रौपदी ने बाहर जाकर देखा तो वहां उसे युधिष्ठिर की पादुकाएं नहीं दिखी। उनको एक कुत्ता अपने मुंह में लेकर जा रहा था, तो गुस्से में आग बबूला द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मुझे अर्जुन के सामने शर्मिंदित होना पड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रजाति को भी जिल्लत झेलनी पड़ेगी और तुम खुले में सहवास करोगे। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर आप अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।